കേദാർനാഥ ക്ഷേത്ര കേദാർനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻപിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ പുറകിലായി മനോഹരമായ ചൗക്കമ്പ പർവ്വത നിരകൾ സുമേരു കാണാം. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് പണ്ഡിറ്റ് ജി രാഘവ് രാജേഷ് കപരു നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചും ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം നമ്മളോട് വിശദീകരിക്കും. പണ്ഡിറ്റ് ജി ആ ബദാ ദീജിയെ തുടങ്ങാം. സ്വയംഭൂ ഇലവൻ ജ്യോതിർലിംഗ് പാണ്ഡവ ഗോത്ര ഹത്യാലക കുരുക്ഷേത്ര ലഡായി കുരുക്ഷേത്ര പൗര പാണ്ഡവ ലഡായി ഗോത്ര ഹത്യ ശ്രാപ ലഗ ഗയാ ഗോത്ര ഹത്യ ശ്രാപ ലഗാ തോ വേദ വ്യാസി പാസ് ഗേ നിവാരണ ക്യാ കാണാ ചേ കേദാർനാഥ നമുക്ക് സ്ഥാന പേ ജായോ കേ കാ അർത്ഥ ഹോതാ ജല ദാർ കാ അർത്ഥ ഹോതാ ദൽദലാ കാ. ഈ ജമീൻ ഹൈ ഉസ്മേ പാവ രഖേംഗേ ജമീൻ ഹിലേഗി പാനീ നിക്ലേഗാ. तो पांडव लोग बढ़ते गए, तमाम जगह मंदिर बना रखे हैं, लेकिन भगवान आगे आगे निकलते गए. ये लास्ट जगह थी, यहाँ आए तो सब ने भैंसे का भैंस का रूप धारण कर दिया. इनमें से भीम बलवान थे, समझ गए पांडव लोग ये भगवान की लीला है. तो जय विजय दोनों पहाड़ हैं, तो भीम ने दोनों पहाड़ों पर पाँव रख दिया. ये जय और ये विजय दोनों पहाड़ों पर पाँव रखने के बाद जो गण थे वो आगे बढ़ गए. भगवान रूपी भैंस यहीं से जमीन में धंस गई. तो जमीन में धंस गई तब तक पांडवों को आकाशवाणी हुई कि भगवान आपको दर्शन दे रहे. तो जब भागते भागते गए तो भीम ने गधे से प्रहार किया. तो इसीलिए यहाँ पे घी मला जाता है. आपने घी मला ना, तो इसीलिए घी मला जाता है. उसके बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ. और मंदिर का पता नहीं था तो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जो हुए हैं उन्होंने इसका पता लगाया, जीर्णोद्धार किया, तब से यहाँ पे लोग आने लग गए. सामने आपका बाबा भैरवनाथ मंदिर, यहाँ के मुख्य क्षेत्रपाल रक्षक तंत्रक वही है. सामने बासुकी ताल 8 किलोमीटर पे. बासुकी ताल बहुत बड़ा झील, राउंड लेगा तो 1 किलोमीटर. वो पानी वहाँ पे आ रहा है. ये क्षीरगंगा. क्षीरगंगा क्षीरगंगा इस साइड से दिखाई नहीं दे रही. मधुगंगा मधुगंगा क्षीरगंगा और मधुगंगा क्षीरगंगा मधुगंगा स्वर्ग द्वारी मंदाकिनी सरस्वती 5 नदियाँ 5 नदियों का संगम ब्रिज पे. कहाँ पे? ये ब्रिज, 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 ओ इधर ही है. इधर से सरस्वती जाता है, नीचे लुप्त हो जाती है. सरस्वती जहाँ भी निकलती है फिर लुप्त हो जाती है. ये नीचे कहाँ पे मिलती है दिखाई नहीं देती है. ये यहाँ पे है. ओ ये जी ये और एक बार मंदिर का सीजन वगैरह के बारे में कुछ बता दीजिए. सीजन के बारे में ये ओपन अक्षय तृतीया अप्रैल लास्ट मई फर्स्ट अप्रैल मई फर्स्ट क्लोज भैया दूज दीपावली के तीसरे दिन. तो निश्चित है जब पड़ेगा तब क्लोज होगा. तो इस टाइम पे भीड़ ज़्यादा होती है. अभी 22 जून के बाद एकदम भीड़ डाउन. एकदम अच्छा दर्शन, ऐसा रस नहीं, फ्री फ्री मिलेगा. आज कई लोग आ रहे हैं इधर. वो सभी महीने पे महीने में ऐसा ही वो क्राउड आता है नको. ये सिर्फ 1 मंथ. हाँ हाँ सिर्फ मंथ मई जून. ओ नहीं अभी 22 जून. 22 जून के बाद एकदम डाउन. ओ क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं ना. हाँ तो इसलिए इतना लोग आता है. और ये तो अभी ज़्यादा आने लग गया, पहले इतना लोग नहीं आता था. आप पंडित जी लोग हैं ना? वो पंडित जी मतलब वो एक ही फैमिली है और अलग 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 बहुत. अब इधर ही रहता है वो सीजन टाइम पे फुल पूरा. अच्छा मैंने इधर रहता है और घर ये गुप्तकाशी के बगल में सिंगोली पड़ता है, घर वहाँ है. हाँ जहाँ फैमिली इधर नहीं रहता. हाँ और 2 महीने उधर रह के उसके बाद 4 महीने आपके बाहर घूमता है, दिल्ली बॉम्बे और साउथ इंडिया आता रहता है. और थोड़ा भी वो पूजा के बारे में कुछ बता दीजिए, क्या क्या कर रहा है उधर? हम पूजा इधर अर्चन होता है, अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, महाभिषेक होता है. तो अभी तो अर्चन ही होता है, अर्चन अभिषेक भी होता है. उसके बाद जिस समय टाइम मिलेगा या कोई बाहर करना चाहे तो महाभिषेक होता है, नमकम चमकम होता है, उसमें 3 घंटे लगते हैं. लघु रुद्र होता है, 11 ब्राह्मण बैठेंगे, 3 घंटा लगेगा तब लघु रुद्र होता है. उसके लिए थोड़ा लंबा टाइम चाहिए. दिन में वो ये पूजा नहीं चल रहा है? ये चल रहा है, चल रहा है. अभी सब लोग फैमिली लेके आइए. हाँ ठीक है नेक्स्ट ईयर जी. वो ये 2020 सीजन में
इसका मंदिर का ऊपर बर्फ आ जाता है क्या? बर्फ आ जाता, पूरा बर्फ, पूरा बर्फ, पूरा क्लोज हो जाता है, रास्ता पूरा बंद हो जाता है? नहीं, पूरा बंद अभी तो थोड़ा कम है। कितना ऊंची तक बर्फ पड़ेगा? इसका कोई भरोसा नहीं, कभी तो खुद के आना पड़ता है, कभी रामवाड़ा से बर्फ मिलता था, आज बर्फ कम हो गया, पॉल्यूशन बढ़ गया, प्रकृति से छेड़छाड़ ज्यादा हो गई, तमाम जगह टनल बन गई, वैज्ञानिक आज बहुत कुछ कर रहे हैं, इससे ये जो है कि बर्फ नहीं मिल रहा है, पहले बहुत बर्फ रहता था। आजकल वो कई डेवलपमेंट आ रहा है इधर, लेकिन वो हम क्या देखा, वो पुलिस वाला का थोड़ा जरूरत है इधर, क्योंकि वो रास्ता पे कोई भी नहीं है, कोई पुलिस भी है, उसके बारे में कि ट्रस्ट को कुछ कर सकता है? नहीं, मेडिकल पुलिस, मेडिकल एड और बहुत जरूर है ना। उसको एक्चुअली सबसे बड़ा ये है कि सड़क चाहिए। सड़क चाहिए। आदमी जितने में हैदराबाद से गौरीकुंड पहुँचता है, उसका 10 गुना पैसा गौरीकुंड से केदारनाथ आने में लग जाता है। अभी एक यहाँ पे मिट्टी तेल 40-50 रुपया लीटर मिलता है, मिट्टी तेल, आलू जो है 40 रुपये किलो, अभी 1000 गुड़ा वाला लेगा, उसमें 1 क्विंटल आएगा, उसका रेट कहाँ जाएगा? और 11,750 फीट। मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे रहते हैं? वो ट्रस्ट है वैसा कुछ है, और गवर्नमेंट पे मंदिर का नियंत्रण? समिति है, समिति है, मंदिर समिति है। इसका गद्दी स्थल ओखी मठ में है। ओखी मठ जगह से ठीक से। हाँ हाँ हाँ, ओखी मठ। और बद्रीनाथ का जोशी मठ में है, यहाँ का ओखी मठ में है। ये पूरा यही ये रहता है, और हर साल से ये चेंज होता है समिति? नहीं, समिति है, वो जब से बना है वो मंदिर समिति है। हाँ हाँ, अर्ध सरकारी है ना, अर्ध सरकारी है। ठीक है, धन्यवाद जी। इधर से नीचे जाएंगे, त्रिजुगी नारायण है, वहाँ पे माँ पार्वती और शंकर भगवान जी की विवाह स्थली है, तब से वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित है, 3 युगों से अग्नि जल रही है वहाँ पे। गुप्तकाशी जाओगे, गुप्तकाशी, गुप्तकाशी किस? नहीं, ये गौरीकुंड से जो है कि जस्ट आगे सोनप्रयाग पड़ता है, वहाँ से एक रोड कटती है, 10-12 किलोमीटर पे है, गाड़ी से जा सकते हैं आप। क्या है वो नाम? त्रिजुगी नारायण, सोनप्रयाग से जाना है। त्रिजुगी नारायण, गौरीकुंड से 6 किलोमीटर आगे जाके सोनप्रयाग पड़ेगा, वहाँ से रोड कटता है त्रिजुगी नारायण। फिर आप गुप्तकाशी में जाओगे, गुप्तकाशी से आपको थोड़ा आगे से एक रोड मिलेगी काली मठ के लिए, वो सिद्धपीठ है, माँ काली का मंदिर है जो कलकत्ता में है, वही यहाँ पे है। फिर यहाँ पे पंचकेदारत है, मधमेश्वर है, जहाँ पे शंकर भगवान का नाभि स्थल है, मध्यभाग, लेकिन वहाँ 22 किलोमीटर पैदल है। तुंगनाथ है, वहाँ 4 किलोमीटर पैदल है, सबसे बढ़िया जगह है यहाँ पे। फिर कल्पेश्वर है, रुद्रनाथ है, कई धाम है, कई टाइम जी। आप नेक्स्ट ईयर आइए, सब लेके आइए फिर आपको। ये इधर आने का कंफर्टेबल क्लाइमेट महीने ये ही है ना? ये मई, मई नहीं है, आप आओ यहाँ जुलाई में, जुलाई में ना, जुलाई अगस्त में टाइम निकालो, आ जाओ। कोई बरसात नहीं आता है? बरसात आता है हल्का, आता है कोई, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो बरसात आता है तो बर्फ गिरता है, उस समय बारिश होता है, लेकिन जुलाई अगस्त तो थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपको जुलाई अगस्त में हम जो है कि अंदर कम से कम आधा घंटा बिठाएगा भगवान के सामने। ठीक है, जरूर करा देगा जी। ये कौन सी नदी बनती है यहाँ?